इंडियन प्रीमियर लीग का 17वां संस्करण शुक्रवार के दिग्गज चेन्नई सुपर किंग और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच मुकाबले के साथ शुरू होगा। यह टक्कर भारत के दो पूर्व कप्तानों को आमने सामने लाता है। सीएफएस के नेतृत्व महेंद्र सिंह धोनी कर रहे हैं, जबकि विराट कोहली आरसीबी के लिए मैदान में उतरेंगे। जैसा कि अपेक्षित था, सलामी बल्लेबाज के लिए टिकटों की भारी मांग रही है। यहाँ तक कि भारतीय क्रिकेट स्टार रविचंद्र अश्विन ने भी इसके बारे में ट्वीट किया है। चेन्नई निवासी स्पिनर के एक ट्वीट में सीएसके फ्रेंचाइजी को टैग करते हुए उनसे मदद करने के अनुरोध किया है। चेपॉक में सीएसके की वसी आईपीएल 2024 ओपनर के लिए अवस्थित टिकट की मांग है। मेरे बच्चे उद्घाटन समारोह और खेल देखना चाहते हैं, चेन्नई आईपीएल कृपया मदद करें, उन्हें पोस्ट किया था। यदि आप भी टिकट खरीदना चाह रहे हैं तो सोमवार 18 मार्च को सुबह 9:30 बजे पेटीएम इनसाइट पर टिकटों की बिक्री शुरू हो गई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑनलाइन सेल में प्रति व्यक्ति 2 आईपीएल टिकट जारी किए जाएंगे। स्टेडियम प्रवेश के लिए टिकट की अनुमति होगी और प्रशंसा को भौतिक प्रतियां ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सीएसके की एक प्रेस विज्ञापन में कहा गया है कि ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले संरक्षण को गेट पर बायकोड क्यूआर कोड के साथ ई टिकट स्कैन करके प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यदि स्कैनर ने पाया कि संरक्षण डुप्लीकेट है तो उन्हें प्रवेश के वंचित कर दिया जाएगा। ध्यान दिया जाना चाहिए कि चेन्नई सुपर किंग और टीएनसीआई एमबीआई चिंदन दास स्टेडियम की उपरधि अंदर सीमित पार्किंग के कारण मैच के दिनों में सदस्यों को सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सीएसके बनाम आरसीबी खेल के लिए चेपॉक स्टेडियम की यात्रा करने वाले प्रशंसकों को ध्यान देना चाहिए कि टिकट दोबारा प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए वे एक बार निकलने के बाद स्टेडियम में वापस नहीं आ सकते, भले ही वह मैच के बीच में ही क्यों ना हो। यह ध्यान देना चाहिए कि एमएस चित्रदान स्टेडियम प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र है और परिसर के अंदर किसी भी प्लास्टिक बैग या किसी अन्य प्लास्टिक से संबंधित सामान की अनुमति नहीं दी जाएगी। एमबीए चित्रदान स्टेडियम भी तंबाकू निषेध क्षेत्र से परिसर के अंदर सिगरेट बीड़ी गुटखा पान मसाला या कोई अन्य तंबाकू पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। सीएसके की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी स्टैंडों की जनता के लिए आरओ उपचित मुक्त पीने का पानी सुविधा उपलब्ध है। हालांकि भारी भोजन या पेय पदार्थों का स्टेडियम के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। 22 मार्च को सीएसके और आरसीबी के बीच आईपीएल 2024 के उद्घाटन मैच के लिए एमए चितन स्टेडियम में प्रवेश द्वारा शाम 4:30 बजे खोले जाएंगे। सीएसके और टीएनसीबीआई के विशेषज्ञ में कहा कि उन्होंने स्टेडियम तक पहुंचने के लिए विलारत की आवश्यकता वाले शारीरिक रूप से विकलांग संरक्षकों के लिए आई लोअर स्टेट में सीमित सीटियों की पहचान की है। ये सीटें केवल शारीरिक रूप से विकलांग संरक्षकों के लिए आरक्षित होगी। इंडिया प्रीमियर लीग 2024 का 17वां सीजन 22 मार्च को चेन्नई के एमबीए चितनदास स्टेडियम में एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग और फाफ डू प्लेसी की अगुवाई वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच रोमांचक शुरुआत मुकाबले के साथ शुरू होगा। पहला 15 दिनों के कार्यक्रम की शुरुआत में घोषणा की गई थी, जबकि शेष खेलों के लिए इस रोस्टर की घोषणा आम चुनाव की तारीखें आधिकारिक होने के बाद जाएगी। 2024 संरक्षण से पहले न्यूजीलैंड के स्पिनर और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के पूर्व गेंदबाज डेनियल विटोरी आईपीएल के इतिहास में सबसे अर्थव्यवस्था की सूची में शीर्ष पर है। विटोरी ने अपने अब तक के आईपीएल करियर में 6.56 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। उनके बाद आरसीबी के साथ गेंदबाजी और भारतीय दिग्गज लेग स्पिनर अनिल कुंबले है। इस गेंदबाज ने अपने आईपीएल करियर में 6.58 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की है और वह टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे मध्यस्थ ओवर गेंदबाजों में से एक है। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज और दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ी क्लेन मैक ने अपने 14 मैचों के करियर में 6.61 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। उनके बाद आधुनिक T20 के उस्ताद लेग स्पिनर राशिद खान ने जो अपने स्पेल में 6.67 की स्पीड चलाते हुए 2023 के पिछले सीजन की बात करें तो पंजाब किंग के ऑलराउंडर मैट्यू शॉट ने अपनी अर्थव्यवस्था से संसी के रहे हैं। वह 6.25 की स्पीड से अपने ओवर फेंकने में सक्षम है। दिल्ली कैपिटल के प्रवीण दुबे की 3 ओवर में महज 6.33 की औसत से खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। गुजरात टाइटंस के ऑफ स्पिनर जिन्होंने पिछले सीजन में उनके लिए सिर्फ एक गेम खेला था, उन्हें 6.50 की स्पीड को गेंदबाजी की। सनराइज हैदराबाद के ग्लेन फिलिप्स भी 6.66 पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं।